नमस्कार, मैं हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी दही हांडी मैदान में होने वाले शिव महापुराण कथा के लिए तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। 9 नवंबर से शुरू होने वाले शिव महापुराण कथा की शुरुआत 8 नवंबर को भव्य शोभा यात्रा के साथ की जाएगी। इस शिव महापुराण कथा के लिए लगभग 13 एकड़ में पंडाल लगाया गया है, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पाठ करेंगे। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी दही हांडी मैदान में होने वाले चंपेश्वर शिव महापुराण कथा के आयोजन की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। इस शिव महापुराण कथा का आयोजन काफ़ी भव्य होगा, जिसके लिए लगभग 13 एकड़ में पंडाल बनाया गया है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण का कथापाठ करेंगे, जिसमें कई प्रसंग शामिल होंगे। इस धार्मिक आयोजन के आयोजक बसंत अग्रवाल ने बताया कि यह छत्तीसगढ़ का पहला सबसे विशाल धार्मिक महाकुंभ है, जिसमें 2000 लोगों के ठहरने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। इस शिव महापुराण कथा की शुरुआत 8 नवंबर को शाम 5 बजे भव्य शोभा यात्रा से होगी। इसी दिन कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का भी आगमन होगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक पंडाल लगा रहे हैं। 5 लाख फीट का पंडाल लग रहा है 13 एकड़ में लगभग, जिसमें से 2.5 लाख फीट डोम है और 2.5 लाख फीट पाइप पंडाल है। 10 एकड़ बाइक की व्यवस्था है, बाइक पार्किंग की, जो कथा स्थल तक आती है। कार पार्किंग हम WRS और कोटा में रख रहे हैं। 500 पुलिस बल का सहमति प्रशासन ने हमको दे दी है, लेकिन हमने निवेदन किया है कि और बढ़ा लें, क्योंकि बहुत ही संख्या में लोग आएंगे, तो हमारा निवेदन है कि थोड़ी संख्या बढ़े। 2000 लोगों के लिए हम आवास की व्यवस्था किए हैं, और वो यदि संख्या बढ़ेगी तो हम उसका और प्रयास करेंगे कि और जगहों पर उनको दें। AISI भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं ने काले कपड़े पहनकर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व कलेक्टर OP चौधरी ने सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। राजधानी रायपुर में AISI भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व कलेक्टर OP चौधरी ने सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले बिलासपुर में युवा सड़कों पर उतरे और राजधानी भी अब अछूती नहीं रही। सरकार के एक अलग तरह की फैसले इस प्रदेश में आया और अब उसके कारण सारी भर्तियों को कैंसिल किया जा रहा है। दिवाली के दिन AISI भर्ती को कैंसिल करके हमारे 65,000 छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों को ये मुख्यमंत्री जी ने मजाक करते हुए क्रूरता के साथ ये निर्णय लिया था। ये सारे युवा आज सड़क पर उतर रहे हैं। इस सरकार को संवेदनहीनता की सारी हदों को पार न करते हुए तत्काल इन युवाओं के मांग को संज्ञान में लेने की मैं अपील करता हूं। अगर जरा भी संवेदनशीलता बची हुई है तो तत्काल इनके मुद्दों को संज्ञान में लें मुख्यमंत्री जी। और भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने राजभवन तक पैदल मार्च किया। महिला मोर्चा का आरोप है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने 36 घोषणाओं में से एक भी घोषणा पूर्ण नहीं की है, जिसके चलते राज्य में अराजकता का माहौल निर्मित हो गया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने राजभवन तक पैदल मार्च किया। महिला मोर्चा की सदस्याओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र के 36 वायदों में से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। महिलाओं ने कहा कि अपराध के प्रमुख जड़ शराब पर शराबबंदी के वायदे से ये सरकार मुकर गई, जिसके चलते अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आज हम सभी महिला मोर्चा की बहनें प्रदेश स्तरीय एवं जिला की सभी बहनें मिलकर एक बड़ा राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जो प्रदेश में बढ़ती हुई अपराध है वो सबका उसका मुख्य कारण है शराब, क्योंकि उन्होंने शराबबंदी के वादे किए थे पर वो अपने वादे पूरे नहीं करे, अपने वादों से मुकर गए। और महिला बहनें आज उन्हें याद दिलाना चाह रही हैं कि आपने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करें, नहीं तो महिला मोर्चा एक उग्र प्रदर्शन 11 नवंबर को महातारी हुंकार के नाम से बिलासपुर में तो कर ही रही है, इसके बाद अगर आप नहीं मानेंगे तो हम हर वार्डों में यह आंदोलन करेंगे। पिछले 65 दिनों से हड़ताल पर बैठे छत्तीसगढ़ रसोईया संघ के सदस्यों ने प्रशासन के आश्वासन पर अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। प्रशासन से मिले आश्वासन को लेकर रसोईया संघ के सदस्यों ने खुशियां मनाई। इस दौरान सभी ने मिठाइयां महंगी होने के चलते लाई और चने से एक दूसरे का मुंह मीठा किया। दंतेवाड़ा में पिछले 65 दिनों से जारी रसोईया संघ ने अपनी हड़ताल प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म कर दी। प्रति माह 1500 रुपए वेतन पाने वाले रसोइयों की वेतन वृद्धि की मांग थी। प्रशासन ने जनवरी तक उनकी मांगों पर
विचार कर कोई न कोई निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद रसोईया संघ के सदस्यों ने मिठाइयां महंगी होने के कारण लाई और चना से एक दूसरे का मुंह मीठा कर खुशियां मनाई। रायपुर गए हुए थे और मंत्रियों से मुलाकात हुई है, वहाँ से हमको आश्वासन मिला हुआ है कि हम आपकी मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे आगे भी। और हमको मांग अगर एक महीना वक्त मांगा गया है, एक महीना में अगर मांग पूरा नहीं होता है तो हम जनवरी में 15 तारीख के बाद हम पैदल यात्रा रायपुर जाएंगे। स्थिति के अभी तो स्थिति हुआ है, फिर अपनी मांग के खातिर हम वहाँ पैदल यात्रा जाएंगे रायपुर के। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को उनका वाजिब आरक्षण दिलाने का दावा कांग्रेस सरकार कर रही है। प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फिजूल की बयानबाजी बंद करे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को आरक्षण का लाभ उन्हें मिलकर रहेगा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का दंश झेल रहे आदिवासियों को कांग्रेस सरकार द्वारा वाजिब हक दिलाए जाने का आश्वासन दिया गया है। कांग्रेस ने एक बार फिर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व में की गई गलतियों की वजह से ही आज छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का आरक्षण का प्रतिशत कम हुआ है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फिजूल की राजनीति न करे। हाईकोर्ट से नंतीराम कंवर कमेटी सीएस की कमेटी को क्यों छुपा के रखा था भारतीय जनता पार्टी को, इसका जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, मुख्यमंत्री ने कहा है आवश्यकता पड़ने पर हम विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाएंगे। हर संवैधानिक पहलू का विचार किया जा रहा है और आदिवासियों को उनका पूरा हक मिलेगा, इसमें किसी को भी कोई भी सवाल जवाब करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें बिल्कुल भी फिजूल की राजनीति मत करे, क्योंकि उसकी लापरवाही का ही नतीजा है कि आज आदिवासी समाज का आरक्षण कम हुआ है और जनता इस बात को बेहतर तरीके से समझ रही है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सह प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के द्वारा छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति स्थापना को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने उन्हें माफी मांगने की बात की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि नितिन नवीन ने ऐसी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़े। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सह प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के द्वारा छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति स्थापना को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने माफी मांगने की बात कही, जिस पर नितिन नवीन का पक्ष रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि नितिन नवीन ने ऐसी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़े। देखिए, मैंने कहा कि हम नितिन नवीन जी ने किसी तरह से छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान की कोई बात नहीं कही है, अपनी विफलता को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाए हैं, ये ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाकर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम हमने किया है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सह प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का पुतला जलाया गया। युवा कांग्रेस द्वारा किए गए इस पुतला दहन में कांग्रेसियों ने कहा कि जो पार्टी छत्तीसगढ़ महातारी के बारे में टिप्पणी करेगी उसे जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सह प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन द्वारा छत्तीसगढ़ महातारी की प्रतिमा स्थापना को लेकर दिए गए बयान की निंदा युवा कांग्रेस ने की है। युवा कांग्रेस ने बिलासपुर में नितिन नवीन का पुतला जलाया और प्रदेश की जनता से माफी मांगने को कहा। पुतला दहन का नेतृत्व कर रहे बेलतरा युवा कांग्रेस के अजय यादव ने कहा कि जो पार्टी छत्तीसगढ़ महतारी के बारे में टिप्पणी कर रही है उसे चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। सरकार अभी छत्तीसगढ़ महतारी के लिए जो हर जगह पे स्टेचू वगैरह लगा रही है या फिर ऑफिसों में जो इनका परमानेंट अभिनंदन करने के लिए जो कहा गया है उसके विरुद्ध इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पहले तो इनको ये जानना चाहिए छत्तीसगढ़ प्रभारी है तो छत्तीसगढ़ की लोकेलिटी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए, ऐसे आकर किसी भी चीज़ों के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए इनको यहाँ से माफ़ी मांगना होगा। अगर ये इसी तरह बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार कभी नहीं बन पाएगी और छत्तीसगढ़ की जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि बिजली बिल के नाम पर प्रदेश की जनता की जेब में डाका डालने का काम यह सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हाफ बिजली बिल योजना का झूठा हल्ला बोल करके वह वही लूटने में लगी है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बिजली बिल के नाम पर प्रदेश की भोली भाली जनता
के जेब में डाका डालने का कार्य कर रही है। चंदेल ने कहा कि बिजली बिल में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है और सरकार हाफ बिजली बिल का झूठा हल्ला करके वाहवाही लूटने में लगी है। एक तरफ भूपेश की सरकार ये बात करती है कि हम बिजली बिल को हाफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ 10,000 रुपए का करंट बिजली बिल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के आम आदमी को लगा है, जो इस भूपेश सरकार के असली चेहरे को उजागर करता है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे INS News 24 YouTube चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय YouTube चैनल INS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।